नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा व दल विशेषज्ञ मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन वाराणसी। आप सभी काशीवासियों व देशवासियों को होली की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। खूब जमकर के होली खेलें, खुशियां बांटें, सद्भावना बांटें, आपसी प्यार बढ़ाएं और मिलजुल कर रहें। साथ ही सावधानी बरतें। इस समय समय चल रहा है कोरोना वायरस का, जो कि एक वैश्विक आपदा के रूप में चारों तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। चीन से शुरू होकर के आसपास के कई देशों से होते हुए भारत में भी एक बहुत तेजी के साथ पैर पसार रही है। इस कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो सका है, बचाव ही एकमात्र आसरा है। अगर यह बीमारी किसी की को हो गई तो शुरुआती दौर में तो इसको हम सपोर्टिव मेजर के साथ ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर यह गंभीर रूप ले पा रही है तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अतः सावधानी बरतने में ही हम सबकी भलाई है। सावधानी क्या है कि यह चूंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी के से संक्रमित होकर के फैलता है। अतः जब भी कहीं भीड़ भाड़ जगह पे जाएं या कहीं ऐसे जगह पे हैं जहां पर लोग बहुत क्लोज में हैं, भीड़ भाड़ में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं या ट्रेन में हैं, सिनेमा हॉल में हैं, तो एक सुरक्षित दूरी बना के रखें। अपने आप को, अपने चेहरे को मास्क के साथ कवर रखें। किसी के साथ हाथ बॉडी का टच नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं तो दिन में फ्रिक्वेंट कई बार अपने हाथ को अच्छे तरीके से साबुन के साथ 1 मिनट तक लगातार धोएं। अगर कोई खांसी कर रहा है तो उससे दूरी बनाकर रखें। अपने चेहरे को साधारण मास्क से भी आप ढक सकते हैं। यह बीमारी एक तो किसी के खांसने से उसकी जो श्वास है उसके द्वारा फैल सकती है। अगर वह खांसा, जो संक्रमित व्यक्ति है उसने खांसा और आपके कपड़े पर आ गया, तो कपड़े पर भी वायरस 10 से 20 मिनट तक जिंदा रहता है, वहां से हो सकता है। या कहीं पर आप जा रहे हैं लिफ्ट में, रेलिंग में, कहीं पर उसने खांस के रखा हुआ है तो वहां पर वो आधा घंटा तक वायरस जिंदा रहता है। तो अब यह आप तो देख नहीं पाएंगे कि कौन सा वायरस कहाँ पर है। तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अपने शरीर को बचाव में रखें। जब भी घर पर आए हाथ पैर धो के घर में प्रवेश करें। दिन में कई बार अपना हाथ जरूर धोएं। खाने से पहले या कोई भी चीज खाने से पहले हाथ साबुन से जरूर धोएं। अपने आंख व मुंह में अपने हाथ को बार बार न ले जाएं एक बार भी। चेहरे को, आंख को जरूर धोएं और साथ ही अपने शरीर की इम्यूनिटी को, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, अगर इम्यूनिटी अच्छी रही तो इसका दुष्प्रभाव कम से कम पड़ेगा। तो इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे इसके लिए विटामिन सी का, आंवले का मुरब्बा, नींबू, इन सब चीजों का प्रयोग करें। दिन में 3-4 बार, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर इस तरह का प्रकोप ज्यादा है, तो 3-4 बार गार्गल करें। गर्म पानी से नाक मुंह वगैरह धोएं, आंख धोएं, चेहरा धोएं को और गार्गल करें। साथ ही गर्म पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी में आप अगर कुछ इम्यूनिटी बूस्टर पदार्थ हैं, जैसे कि नींबू है, अदरक है, तुलसी है और काली मिर्च का पाउडर है, धनिया है और पुदीना है, इन सब चीजों को एक साथ या बारी बारी से डाल करके दिन भर गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप स्वतः रूप से इससे एक बचाव के दायरे में रहेंगे। सबसे है सुरक्षित दूरी बना के रखें, अपना बचाव करें और अपने चेहरे पर अगर कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो चेहरे को ढक के रखें। साधारण मास्क भी इसमें काम कर सकता है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब जम के होली खेलें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।